तो 16 सीटें घट जाती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक इस वक्त खत्म हो गई है और 16 दल के नेता एनडीए की बैठक में मौजूद थे, जिसमें अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, नीतीश कुमार भी बैठक में मौजूद थे। जो बैठक इस वक्त खत्म हो गई है, बताया जा रहा है कि अभी यह अपडेट निकलकर सामने आया है कि यह बैठक खत्म हो गई है। अब देखना होगा कि इस बैठक के खत्म होने के बाद क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, बैठक के भीतर क्या आंकड़ा रखा गया है और किस तरीके से एनडीए इस बार सरकार बनाने जा रही है और क्या कुछ बैठक में चर्चा की गई है, वो कुछ ही समय बाद आपके सामने होगा। फिलहाल तो ये बड़ा अपडेट है कि एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। सियासी हलचल इस वक्त दिल्ली में काफी तेज है, लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और एक तरफ इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है कुछ ही देर में और एक घंटे चली है एनडीए की ये बैठक। ये अपडेट निकलकर सामने आई है और आज ही राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। एक घंटे एनडीए की ये बैठक चली है, फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है, ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इस बैठक में जो है आपको जानकारी दे दे, 16 दलों के नेता मौजूद थे और साथ ही साथ इस बैठक में नीतीश कुमार भी मौजूद थे और क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों बहुत ही अहम फैक्टर हैं इस बार के इस चुनाव में सरकार बनाने में, इन दोनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में इस बैठक में मौजूदगी नीतीश कुमार की होना ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद नीतीश कुमार पीएम आवास से निकल गए हैं, ये भी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। एक घंटे तक चली है एनडीए की ये बैठक और इस बैठक को खत्म होने के बाद नेता बाहर निकल रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त आज ही राष्ट्रपति से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और पीएम आवास पर ये जो बैठक चल रही थी ये खत्म होने के बाद नीतीश कुमार जो है वो बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें दिल्ली से भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, हलचल तेज है, सरकार बनाने का दावा आज ही पेश कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त निकलकर जानकारी सामने आ रही है। आज ही राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी, ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आया है और फिलहाल जो है वो बैठक क्योंकि खत्म हो गई है, पहले इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दे दिया था और अब वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर रहेंगे जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है, जब तक नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करेंगे पीएम मोदी। और इस वक्त एनडीए की बैठक भी खत्म हो गई है। विनीत हमारे संवाददाता, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। विनीत, आपसे जानकारी लेंगे, दिल्ली में जो सियासी हलचल है वो बढ़ गई है, एनडीए की बैठक खत्म हुई है, क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीए की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। नीतीश कुमार जो है सबसे पहले, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, वो सबसे पहले यहाँ से निकले हैं। बैठक अब खत्म हो गई है। अगर हम बात करें लगभग बैठक जो है वो लगभग 1.5 घंटे चली और इस बैठक में जो सरकार के निर्माण को लेकर के या फिर योजना एनडीए की सरकार के निर्माण को लेकर के जो योजना है वो बनी और उस पर जो है वो चर्चा हुई। एक मैं साफ तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अब से थोड़ी देर बाद यह माना यह जा रहा है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें यह है कि अब से थोड़ी देर बाद जब सहयोगी दलों के साथ बैठक जो है वो खत्म हो गई है, अब से थोड़ी देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति भवन जा सकते रहे हैं और वहां पर जो है वो सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको इस समय को लेकर के अभी तक कुछ निश्चय नहीं मिल रहे, निश्चित नहीं हुआ है, तय नहीं हुआ है कि आखिरकार वो किस वक्त जो है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, लेकिन ये माना जा रहा है जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार जो समर्थन है एनडीए के घटक दलों ने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया है। जिस तरह से अगर हम देखें नीतीश कुमार के